अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलन। मैं हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी कहानी कुछ उसी तरीके की थी। आज मैं बात कर रहा हूं किसी और के बारे में जो क्रिकेट को जानते हैं, वो ललित मोदी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अभी वापस से हाईलाइट में है सुष्मिता सेन के कारण। बट इनकी कहानी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक अ मूवी, जो सबको नहीं पता है। और आज हम उस अनसुनी कहानी को बताने वाले हैं, कुछ कई सारे सनसनीखेज राज खोलने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आप फायदा ले सकेंगे और सीखेंगे, कमाएंगे। ईयर के ललित कुमार मोदी आज भले ही भगोरे का जीवन जीने को मजबूर हो, लेकिन एक समय था जब बिजनेस जगत में, खासकर क्रिकेट में, इनकी तूती बोलती थी। उन्होंने देश में इस खेल को एक अलग लेवल का मुकाम दिया। इंडियन प्रीमियर लीग को इन्हीं के दिमाग की उपज माना जाता है। IPL के रूप में इन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। दिल्ली में रहने वाले अरबपति कृष्ण कुमार मोदी के यहां इनका जन्म हुआ था। इनके फादर 4000 करोड़ ब्रांड वैल्यू वाले मोदी ग्रुप के चेयरमैन थे। ललित के दादा राज बहादुर गुजरमल मोदी ने मोदी नगर की स्थापना की थी और 400 रुपए से शुरुआत होकर 4000 करोड़ की कहानी बनी थी। 1971 में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में ललित मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा की थी। अपहरण की धमकी के कारण उनका परिवार बाद में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल ले गया था। आप इसी से समझ सकते हैं कि कहानी में ही शुरू से ही ट्विस्ट एंड टर्न थे। कहानी की शुरुआत जब किडनैप से हुई तो पिक्चर तो अभी बाकी है। 1980 में फिल्म देखने के लिए स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें ट्रुएंसी के लिए सेंट जोसेफ से बाहर निकाल दिया गया। ललित मोदी ऐसी शख्सियत का नाम है जो अक्सर गलत वजह से सुर्खियों में रहा है। पढ़ाई के दिन में विवाद में रहना, विवाद संग पहला नाता 1985 में जुड़ा जब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में वो घातक हथियार से हमला करने के आरोप में भी हिरासत में लिए गए। उसी साल ललित मोदी और एक अन्य स्टूडेंट पर अपहरण का इल्जाम लगा, हालांकि उनको 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया था। अगले साल ड्यूक यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट होने के बाद मोदी ने दोबारा अदालत का रुख किया और स्वास्थ्य के आधार पर बाहर जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने उन्होंने 1990 तक 200 घंटे की सामुदायिक सेवा करने की शर्त पर घर छोड़ने की अनुमति दी। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि इनका बचपन हो, जवानी हो, किस तरीके से गुजरी है, और जिस इंसान का दिमाग इतना सातिर हो, क्योंकि ये सब नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात है नहीं, तो जिस इंसान का दिमाग इतना सातिर हो, वो कितना तेज हो सकता है। तो एंट्री पसंद आई है, अब चलते हैं आगे। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है, तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब कहानी शुरू करते हैं भारतीय क्रिकेट में एंट्री की। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद फादर के मोदी के बिजनेस में लग गए, लेकिन भैया मन नहीं लगा, क्योंकि दिमाग तो कहीं और, तो वो अपने रास्ते पे निकल गए। 1992 तक ललित मोदी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी में सुमार गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जिसको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, उसके निदेशक रहे। 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हो गए। गर्मियों में भारतीय टीम की प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वादा किया, साथ ही अपने वादे पर अमल करना शुरू किया, और ऐसा करके उनका कद ऊंचा हो गया। 1996 में उन्होंने BCCI को एक सीमित ओवर की क्रिकेट लीग की पेशकश की, जिसे BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने ठुकरा दिया। टकराव शुरू हो गया। तब ये स्पोर्ट्स पे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। उनको उस टाइम ही आइडिया लग गया था कि लाइव स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग पे करेंगे। बट बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि सिस्टम को हराने के लिए उससे फाइट नहीं, उसके अंदर जाना पड़ेगा। 2005 तक कोशिश करते करते BCCI के सबसे यंग उपाध्यक्ष बने। पावर में आते ही बोर्ड को पावरफुल बनाया और बोर्ड का रेवेन्यू $1 बिलियन तक कर दिया। अपने बोर्ड के लिए ICC इंटरनेशनल
क्रिकेट काउंसिल से फाइट कर लिया। 2007 में जब आईपीएल अनाउंस हुआ था तो बहुत लोग चाहते थे ये फेल हो जाए, बट आईपीएल लाने का क्रेडिट इसी को जाता है। आईपीएल के अध्यक्ष बने 2 साल के बाद, यानी 2010 में इनके ऊपर फिर वक्त बदला, संकट के बादल आए। उस वक्त दो न्यू टीम की एंट्री हुई, कोची और पुणे को आईपीएल में लाया गया। इसमें कोची की जिस तरीके से खरीदी बिक्री हुई और टेंडर में गड़बड़ी पाई गई, बहुत विवाद हुआ। और 2010 के बाद ललित मोदी पर आरोप लगाए गए पावर के मिसयूज का। बीसीसीआई ने बोर्ड से सस्पेंड कर दिया, बीसीसीआई ने बैन कर दिया। आईपीएल में गड़बड़ी आने पर ईडी की जांच शुरू हुई और ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन भाग गए। वहां पर कांग्रेस ने उस समय केंद्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाए थे कि भैया उस समय की जो तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने भगौरे को यात्रा कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्यों दिया था, जिस पर 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कांग्रेस ने इसमें पीएम मोदी पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरते हुए कहा था कि आईपीएल में शशि थरूर की पत्नी की हिस्सेदारी पर इस्तीफा मांगने वाले इस मामले पर चुप क्यों हैं। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया था, ये अलग कहानी है, तो हम इसको पॉलिटिकल में नहीं लेकर जाएंगे किसने क्या किया कौन क्या किया। बट कहानी इतनी है कि ललित मोदी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या क्रिकेट सेलिब्रिटी हो, सबके साथ घूमते और ऐस मौज करते आए और आज के डेट में लंदन में ऐस मौज की जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि इनके पास वहां पर अपना बिजनेस है, अपने फादर का बिजनेस है जिसको आज तक करते आ रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया लाया कब जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बट लंदन की सरकार कभी भी ये करने नहीं देगी, क्योंकि उनके लिए ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हैं एज पर द पॉलिसी। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस इंसान का दिमाग शुरू दिन से इतना टेढ़ा सोचता था, वहाँ पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, तभी तो लंदन बैठा है। आज के डेट में हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया आए। आप क्या चाहते हैं? इंडिया आए, सवाल जवाब हो, चीज़ें बाहर निकल के आएँ। बट आएगा कब? और कहानी पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा जिसे सब जान सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच। और इसमें मैंने सुष्मिता सेन का कोई नहीं डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरीके से कुछ रिलेट करने की मतलब थी, वो एक अलग सेंस था। बट मुझे लगता था कि आपको जानना चाहिए, यही मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच।